एवरी वन एंड असल आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू कि आपकी बहन ना थोड़ी सी डी मोटिवेट हो गई थी बट फाइनली दोबारा से जैसे ही मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के मुझे मैसेजेस आए तो मेरे अंदर मोटिवेशन दोबारा से आ चुकी है और आपकी बहन दोबारा से ब्लाग्स लेके हाजिर हो चुकी हैं आप लोगों के साथ और एक दिन का बीच में गैप आ गया था मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गई थी क्योंकि मैंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी डाला था अगर आप लोगों ने देखा होगा तो तो फाइनली आपकी बहन में मोटिवेशन दोबारा आ चुकी है और दोबारा उसी एनर्जी के साथ आपकी बहन वापस आ चुकी है यूट्यूब पर व्लॉग्स लेके तो चलो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं तो सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी सारे काम शाम निपटाने के बाद मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए चली गई थी तो मैंने कहा चलो तुम लोगों के साथ शेयर भी कर दूं कि हम लोग लेकर क्या आए तो मैं और मम्मा ना शाम के टाइम पे लेकर आ गए थे कुछ चीज़ें हारून मार मार्केट गए थे तो मुझे अपना दुपट्टा लेना था अपने ड्रेस के साथ का क्योंकि अभी जुम्मे वाले दिन का इवेंट था आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था पिछले व्लॉग में अगर आप लोगों को पता हो तो और तो ना दुपट्टा चाहिए था तो ब्लैक कलर का दुपट्टा लेकर आई हूँ मैं और इसका कपड़ा जो है ना वो है जॉर्जेट क्रिंकल जॉर्जेट ठीक है उसके बाद मुझे चूड़ियाँ बड़ी पसंद हैं और मुझे नज़र आ गई थी तो मैंने और मम्मा और अनाया के लिए तीनों के लिए हम लोगों ने चूड़ियों की थोड़ी सी शॉपिंग कर ली तो दिखाती हूँ सबसे पहले तो ये ब्लैक वाली बैंगल्स हैं जो कि मेरी हैं जो कि मैं पहनूंगी इंशाल्लाह तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी तो जी और इसके अलावा आप लोगों को और भी दिखाती हूँ अच्छा एक ये लेकर आई हूँ मैं सिल्वर बैगल्स का सेट इसमें मेटल भी है और इसमें कांच की भी हैं तो दोनों मिक्स का सेट बना हुआ था ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट भी लगा तो मैंने कहा चलो जी ले लेते हैं तो ये वाला एक सेट लेकर आई हूँ कभी ना इंसान यार काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है किसी की बातों से या कभी कभी अपने आप को देखते हुए भी और अपनी चीज़ों को देखते हुए भी बट फिर भी आपको चाहिए कि आप उस चीज़ पर डटे रहो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो इसलिए मैं अपने चैनल पर डटी रहूँगी और दोबारा से ब्लाग्स लेकर आप लोगों के साथ हाजिर हो चुकी क्योंकि इतने प्यारे प्यारे आप लोगों के कॉमेंट्स आए और फिर मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने इंस्टाग्राम पर इतना अप्रोच किया कि आप ही नहीं आप ब्लाग्स लेकर आएं व्लाग्स दोबारा लाएँ तो मैंने कहा अच्छा जी चलो ले आते हैं दोबारा से और आप लोगों के साथ बस शेयर करती रहती हूँ तो मेरा भी ये होता है कि मेरी भी जो बोरियत होती है ना वो दूर हो जाती है तो ये होता है कि चलो जी मुझे भी कोई काम करना है क्योंकि आजकल मैं फ्री हूँ तो इसलिए मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं आप लोगों के लिए ब्लॉग्स तो इसलिए दोबारा से आपकी बहन आ चुकी हैं उसी एनर्जी के साथ वापस और यहाँ पर ना मैं बना रही थी मास्क जो कि मुझे अप्लाई करना था तो इसके लिए मैंने ली थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और लेवेंड्रा का पाउडर जो कि सईद गनी का है और बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर थोड़ा सा टोमेटो जूस ऐड करूँगी और बस इसे अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर थोड़ा सा वाटर एड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आ जाए ताकि ये एक मास्क का फॉर्म बन जाए मतलब मास्क जैसा बन जाए ताकि हम अप्लाई कर सकें और ये दो पीसेस जो है ना वो मैं रखूँगी अपनी आइज़ के ऊपर ताकि आइज़ का जो भी डार्कनेस होती है ना वो इससे बहुत रिमूव हो जाती है और टैन वगैरह भी चला जाता है तो आइस पर रख के थोड़ी देर मैं करूँगी रिलैक्स और चिल घर पर बैठ के हम कर लेते हैं स्पा वाली सारी चीज़ें और बाकी ये जो टमाटर थे मैंने कहा इसको हम यहाँ अपने हैंड्स वगैरह पर रब कर लेंगे ताकि टैनिंग वगैरह जो हो रही है वो चली जाए गर्मी की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और बस लगा लूँगी अपने फेस के ऊपर ट्वेंटी मिनट्स के लिए आफ्टर दैन जैसे ये सूखेगा मैं इसको हटा लूंगी नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर लूंगी आप लोग तो बोलोगे कि भाई इनके व्लॉग्स जो है वो कुछ चैनल पे से डिलीट हुए हैं तो हाँ यार मैंने अपने चैनल पे से कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लग रही थी और क्या नाम है जो है गैर ज़रूरी मुझे लग रहा था तो वो कंटेंट मैंने अपने चैनल पे से डिलीट कर दिया है तो उसके लिए माजरत लेकिन इनशाला मैं आप लोगों के लिए डेली व्लाग्स लेकर आती रहूँगी जैसे मेरे रूटीन व्लाग्स आते ही हैं लेकिन कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और गैर ज़रूरी लग रही थी तो वो फिर मैंने डिलीट मार दी अपने चैनल के ऊपर से तो उसके लिए सॉरी अगर किसी को बुरा लगा वैसे तो किसी को बुरा लगेगा नहीं क्योंकि कुछ ऐसे थे व्लॉग्स वगैरह पे व्यूज़ भी काफ़ी कम थे और क्या नाम है जो है ना किसी काम के भी नहीं थे तो फिर आपकी बहन ने सोचा कि डिलीट मार दो लेकिन आइंदा से मैं अब ऐसा नहीं करूँगी थोड़ी सी ना आप चैनल का लुक अच्छा करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें डिलीट मारी हैं तो उसके लिए माजरत हाँ पर ना मैं बना रही थी बहुत ही मज़े के रेड मार्बल कप तो मैंने कहा आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ सबसे पहले तीन अंडे लिए हैं जिनकी मैंने जर्दियों को निकाल लिया है सफ़ और सफ़ेदी जो होती है ना जो सफ़ेद पार्ट होता है वो मैंने बीट करना शुरू कर दिया जब ये फ्लफी हो जाए तो इसमें चीनी ऐड कर देंगे आधा कप आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा क्योंकि हमारे पास ये पिसी हुई चीनी नहीं है मैं नॉर्मल रेगुलर शुगर यूज़ कर रही हूँ अगर पिसी हुई चीनी आप लोग यूज़ करेंगे तो हाफ़ कप ले लीजिएगा और अगर नॉर्मल शुगर यूज़ करके बना रहे हैं तो हाफ कप ले लीजिएगा और टू टेबल स्पून और मजीद ले लीगा क्योंकि चीनी फिर कम पड़ जाती है जब हम नॉर्मल शुगर लेते हैं ना तो वो फिर कम हो जाती है हाफ कप से ठीक है तो मेजरिंग कप के साथ ही मैं अपना काम करती हूँ और हमेशा चीजों को मेजर करके हूं, ही ऐड करती हूँ तभी मेरी रेसिपीज हमेशा अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी बनती हैं तो बस वाइट वाली जो पार्ट होता है ना वो मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया था पहले फिर इसमें चीनी ऐड करके इतना इसको बीट करना है इतना बीट करना है इतना बीट करना है कि चीनी हमारी अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए और कोई भी चीनी का पार्टिकल रहना नहीं चाहिए और इसका जो बैटर है ना वो इतना फ्लफ़ी होना चाहिए कि बस बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होना चाहिए जैसे ये फ्लफ़ी होए थोड़ा थोड़े करके आप लोगों ने जर्दियों को भी ऐड कर देना है जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करते जाना है और उसको बीट जो है ना वो लाजमी करते जाना है पढ़ना तो अगर आपकी बीटिंग अच्छी नहीं होगी अगर आपका मिक्सचर फ्लफ़ी नहीं होगा तो फिर फूलेंगे नहीं कप और फिर फ़ायदा नहीं है ना बैठ जाएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं बनेंगे तो इसी तरीके से जो है ना मैंने अपनी दादी के लिए भी केक वगैरह रेडी करा था इसके बाद फिर मैंने अपनी दादी के लिए बनाना शुरू कर दिया था वैसे तो ये जुमेरात के दिन का व्लॉग है जो कि मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जुम्मे को शेयर करूँगी और जुम्मे का ओबियसली हफ़्ते को ही आएगा तो इसी तरीके से ही आते हैं मेरे ब्लॉस तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने अंडे की जर्दी वगैरह ऐड की है इसमें और बस इसको बीट करना है पागलों की तरह मैंने लगी हुई थी इसको बीट करने के लिए और ना बस बीट करते जाना करते जाना करते जाना है और फिर इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क जो कि मैंने ऐड किया है तकरीबन सिक्सटी एम एल वन फोर्थ कप ठीक है सिक्सटी एम एल ही होता है आई थिंक वो और फिर इसमें ऐड करा था मैंने ऑयल जो कि मेरे पास आधा कप था जितनी चीनी होगी उतना ही ऑयल होगा ठीक है पर सारी अंडे की जर्दी वगैरह बीट कर दी थी और यहाँ पे देखो हम मैंने ऑयल ऐड कराया है आधा कप जितनी भी चीनी आप लोग लोगे उतना ही ऑयल भी जाएगा सही है और वेजिटेबल ऑयल है आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो हमारे यहाँ जो आता है पर्सनली हम लोग यूज़ करते हैं हबीब या कभी कभी तल्लो तो इन दो ब्रांड्स का ही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं कभी कभी डालडा भी आ जाता है ठीक है तो चॉइस पे होती है बात चॉइस uh, पर नहीं होती वैसे एक आपस की बात बताऊँ जिसके प्राइस कम ना वही वाला ऑयल ले लेना इन तीनों में से तो हम लोगों का तो यही होता है जिसके प्राइस कम होते हैं ना हम वो उठा के ले आते हैं क्योंकि जब आप अपनी अम्मियों को लेके जाओ ना देसी मॉम्स ऐसी ही होती हैं गाइज़ जो चीज़ आपको कम प्राइस में मिलनी हो ना वही आपकी अम्मी बोलती हैं बेटा यही लेनी है तो बस यार बहुत ही आसान रेसिपी है आप लोग भी घरों में इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप लोग विस् से कर रहे हो उसको तो विस से करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा बीटर इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता बहुत से बहुत फिफ्टीन हंड्रेड एटीन हंड्रेड में आप लोगों को बीटर ईजिली दराज पर मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो मेरा जो बीटर है ना वो भी मैंने दराज से ही मंगवाया था काफ़ी अर्से पहले का है तो इसलिए जो है ना आ, पुराना हो गया काफ़ी ज़्यादा <laughs> तो काफ़ी अर्से पहले मैंने लिया था दराज से तो मुझे तकरीबन 1800 में मिल गया था बहुत अच्छा बीटर एनएक्स का मैंने मंगवाया था और इससे पहले मेरे पास जी पास का बीटर था जो कि मेरे बाबा बाहर से लाए थे तो अब ये नहीं पता कहाँ से लाए थे आई थिंक दुबई से लाए थे तो वहीं का फूड प्रोसेसर था हमारे पास सारा तो इसलिए जो है ना ये वाला सीन है भाई अच्छा जी फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर सारा मिक्सचर वग़ैरह मैंने मिक्स करना है अच्छा बहुत हल्के हाथ से इसको कट एंड फोल्ड टेक्निक के साथ आपने मिक्स करना है ज़्यादा तेज़ हाथ से करोगे तो सारा जो हमने बीट किया था ना वो सारा बैटर बैठ जाएगा और आपका केक भी फूलेगा नहीं तो बहुत आराम से बहुत हल्के हल्के पुलाइट तरीके से जैसे आप अपनी स्किन को टच करते हो ना हल्के हल्के वैसे आपने इसको बीट करना है लाइक फोल्ड और कट करना है ताकि सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना वो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए और हमारा बहुत मज़े का बैटर रेडी हो जाए केक का अच्छा जी तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद अब हम लोगों ने इसको कर लेना है दो पोर्शंस में डिवाइड ठीक है आधा हम इसमें रहने देंगे आधा जो है वो किसी और बोल में ट्रांसफर कर देंगे इन जी उससे पहले हम लोग ना इसमें कुछ एसेंस वगैरह ऐड करेंगे तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड करा है वनीला एसेंस ये आप लोग अपनी मर्जी से डाल सकते हैं मैंने इसमें तकरीबन डेढ़ टी स्पून के करीब ऐड करा होगा इसके अलावा लेमन एसेंस ऐड करेंगे इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आता है केक में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ तो इसको भी मैंने तकरीबन वन टी के करीब ऐड किया है और बस इसको भी डाल के अच्छी तरीके से आपने कंटे कट एंड फोल्ड टेक्निक साथ इसको भी मिक्स कर लेना है और ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा अब आप लोगों ने सेपरेट करना है अलग अलग बोल्स में आप लोगों ने बैटर को कर लेना है एक हम येलो कलर का इसी तरीके का रहने देंगे और एक जो बैटर है उसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड कलर क्योंकि हमें रेड मार्बल बनाना है तो हमें दो कलर्स मिक्स करने होंगे यहाँ पर ना मैंने फिर ऐड कर दिया था इसमें रेड कलर और काफ़ी ज़्यादा डल गया था बट कोई बात नहीं कुछ नहीं होता कभी कभी ऐसा ही हो जाता है तो बस इसको मिक्स मिकस कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा दोनों बैटर्स जो हैं वैटी हैं एक वनीला है एक हमारे पास हो गया रेड वेलवेट टाइप समझ लो <laughs> नाम मैं खुद ही दे देती हूँ गाइस तो ना बस ये सारा कुछ करने के बाद अब आप लोगों ने कपकेक का मोल ले, ले लेना है उसमें लगा लो लाइनर्स और यहाँ पे मेरे पास लाइनर्स रखे हुए थे तो बस मैंने वही यूज़ कर लिए क्योंकि मैंने एक साथ ही काफ़ी सारे ले लिए थे तो इसलिए ना बस मैंने वही री यूज़ कर लिए तो बस अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पहले वनीला बैटर ऐड करना है एंड में फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा रेड वेलवेट वाला बैटर ऐड करना है अच्छा ये करना कि मैंने ना बैटर पहले वाले जो हमारा जो वो था ना क्या बोल सकते हो मतलब मैंने तीन शिफ्ट में इसको बेक किया था क्योंकि काफ़ी सारा बैटर था और मेरे पतीले में ना सिर्फ सिक्स कप की जगह होती है मतलब यही वाला मोल्ड आ सकता है उसमें और मेरे पास ट्रे भी एक ही थी तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना बैटर काफी ज्यादा डाल दिया था तो ये फूल फूल के ना पूरे ट्रे पर ऊपर आ गए थे तो आप लोगों ने क्या करना है थोड़ा सा बैटर कम ऐड करना ठीक है तो मैंने ना मतलब ये मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं बना रही थी लेकिन मैं वैसे ही बना रही थी तो ना मेरे से बैटर काफी सारा गया था तो ना फिर मैंने ये फूल फूल के इतने सारे मतलब ऊपर ऊपर आ गए थे और बाकी का जो बैटर बचा था ना वो मैंने अपने एक स्टील के बोल में जो है वो मार्बल की तरह इसको एक पहले वनीला फिर रेड वेलवेट फिर वनीला फिर रेड वेलवेट इस तरीके से करके मैंने दूसरे वाले को इस बोल में मैंने बेक करने का सोचा था लेकिन फिर मैंने बेक नहीं किया था मैंने क्या किया था इसको ना हवा में रख दिया था इस तरीके से डाल के मिक्सचर और फिर जब वो वाले कप बेक हो गए थे फिर मैंने दोबारा से लाइनर्स लगा दिए थे और फिर मैंने मतलब सारे इसके कप ही बना लिए थे मैंने इस तरीके से बैटर को करके मैंने हवा में रख दिया था ताकि बैटर खराब ना हो और इससे ना इजी भी हो जाता है काम ठीक है तो बस मैं यहाँ पे आई मीन डिजाइनिंग कर रही थी फजूल में जबकि मुझे इसको बेक नहीं करना था तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे केक्स जो है ना वो बेक हो गए थे तकरीबन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स में ये आराम से बेक हो चुके थे और ये आप लोग देख सकते हो इसकी फ्लफ़ीनेस और इसकी इत सॉफ्टनेस इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे ना मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट क्लिप में आप लोग देखना कितने मजे के और कितने सॉफ्ट बने सो येस गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सॉफ्ट बने मैंने इसको पूरा पिचका दिया था और ये दोबारा से राइज़ हो गया ये देख सकते हैं आप लोग इसकी सॉफ्टनेस चेक कर रहे हैं बस भाई फ़िदा हो गई थी मैं इसकी सॉफ्टनेस पे सो so yeah, फिर इस ब्लॉक को यहीं भी खत्म करती हूँ उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग और आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑसो फॉलो मिन इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ फिर मिलती हूँ इन आप लोगों से कल अपने नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ मुझे लाज़मी सब्सक्राइब करके जाना जो रेड बटन है ना उसको ग्रे लाजमी कर दो फिर मैं आप लोगों के लिए और मजेदार से ब्लॉग्स लेकर आती ही रहूँगी तो चलो जी दुआ में याद रखना अल्लाह हाफ़िज